करे सो आज कर, आज करे सो अभी, कल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज करो, जो काम आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि कुछ ही समय में जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं खजूर के पेड़ के समान बड़े होने का क्या लाभ, जो ना किसी को ठीक से छाया दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। धन्यवाद। मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ जैसे बड़े होने में भी कोई लाभ नहीं है, ना तो उसकी छाया होती है और उसमें फल भी बहुत दूर होते हैं। शीतल करे, दूसरों को सुख होए। मेरे दोहे का अर्थ है हमें लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, ताकि उन्हें भी खुशी हो और हमको भी खुशी हो और हमारे मन को भी खुशी हो। चौथी रोज आपको दोहा सुनाने जा रहा हूँ। बुरा जो देखो मैं जरा, बुरा ना मिले कोई, जो दिल अपना खोजा उससे बुरा ना कोई। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर पांडे है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको कबीरदास जी का एक दोहा सुनाने जा रही हूँ और मैं उसके साथ आपको उसका मतलब भी समझाऊंगी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। दास जी ने समय की महानता बताते हुए कहा कि जो आज कर और जो आज करना है उसे अभी करो, कुछ समय में जीवन समाप्त हो जाएगा तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। शुक्रिया।